नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में दावेदारों की बढ़ती धड़कनों के बीच चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार को 60 से अधिक सीट टिकट फाइनल कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी आज दोपहर 12 बजे प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी, साथ ही बाकी सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाने की पुष्टि की है। दरअसल बीते दिन नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक देर रात तक उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आए नामों के पैनल पर मंथन हुआ, जिसमें से 60 से अधिक सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सभी मंत्रियों के टिकट भी फाइनल हो गए हैं। वहीं आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाएगी। साथ ही कोटद्वार, डोईवाला, सहसपुर समेत करीब 10 सीटों पर पार्टी बाद में फैसला करेगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।